आज मैं आपको क्वेश्चन वन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन वन है आप देख सकते हैं ये क्लास टेंथ की सीबीएसई की मैथमेटिक्स की स्टैंडर्ड की ओसवाल सैंपल पेपर की बुक है और जिसमें सॉल्ट पेपर 2013 से 2020 तक के दिए गए हैं और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दिल्ली सेट फर्स्ट 2016 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ली गई है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो यहाँ पर रेडियस और हाइट का जो सम है वो कितना दिया हुआ, 37 सेंटीमीटर। और इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो यहाँ दिया हुआ है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इस सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसको डायग्राम से ही अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ पर मैं सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ठीक है ना। तो सिलेंडर मैं बना रही हूँ यहाँ पर, तो ये रहा हमारा सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये सेंटर यहाँ पर, ये बीच में ये सेंटर हो गया और ये यहाँ इसको ज्वाइन कीजिए तो ये रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, आर हो गया, रेडियस, ये रेडियस है, ये तो आप जानते हैं रेडियस हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट हो गई, यही है, ठीक है ना, ये हाइट हो गई सिलेंडर की और ये रेडियस हो गया। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस और ये हाइट है। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर क्या बोला, सम, क्या बोला, सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। देखिए बेस तो ये है हमारा, ये बेस है हमारा, ये बेस है, तो इसका किसका किसका सम बोल रहा है, रेडियस, बेस ये है हमारा, बेस का रेडियस ये है, ये रेडियस है और हाइट, और हाइट ये है, तो किसका सम बोल रहा है, ये रेडियस ये वाला और ये हाइट, इनका सम, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर प्लस एच जो है वो कितना है, किसके बराबर दिया हुआ, 37 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये रेडियस जो बेस वाला रेडियस है ये और ये हाइट, इनका सम 37 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज इतना। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता, फॉर्मूला क्या है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला होता है 2πr और h प्लस r, ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, सर्कुलर सिलेंडर का, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ कितने दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ये तो फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2πr एच प्लस आर, ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1628 ये स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सरफेस एरिया यानी कि एरिया निकाला गया, इसलिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, भाई टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है 2πr h + r। तो ये किसके बराबर, इसी के बराबर होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये भी आपको फॉर्मूला याद करना होगा, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आर प्लस एस 37 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पर 2πr एच प्लस आर इतना दिया हुआ है। मतलब ना तो यहाँ पर हमको आर की वैल्यू दी गई है न, अब देखिए ना एच की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो आर चाहिए और एच चाहिए, तभी तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा। तो सबसे पहले हम आर, एच और आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर मिला क्वेश्चन में, जो कहा गया था, पहला क्या दिया हुआ है, आर प्लस एच जो है वो दिया हुआ 37 सेंटीमीटर के बराबर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का कितना, जो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो इसको लिख लीजिए 2πr h प्लस r इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब यहीं से हम h और r की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम यहाँ पर जो रखना है। तो देखिए यहाँ पर r प्लस h कितना दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर। तो 2πr यहाँ पर देखिए नीचे 2πr, अब देखिए अंदर क्या है ब्रैकेट में, h प्लस r। तो h प्लस r बोलिए चाहे r प्लस h बोलिए, तो ये तो इसकी वैल्यू तो दी हुई है कितनी, 37। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए,
इसको इक्वेशन सेकंड मानी, तो यहाँ पर एच प्लस आर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 37 सेंटीमीटर, एच प्लस आर बोली चाहे आर प्लस एच बोली, तो इसकी वैल्यू दी हुई 37 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में इनटू का साइन है, इनटू लगाइए, ये कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 37 सेंटीमीटर, लिख दिया भाई इसकी वैल्यू दी है ना ब्रैकेट के अंदर जो है एच प्लस आर, ये कितना दिया 37 सेंटीमीटर लिख दिया इक्वल टू, और ये क्या है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर अब यहाँ से हमें देखिए क्या मिलेगा, आर की वैल्यू तो मिलेगी, तो यूनिट भी यहाँ पर लगा के चलेंगे ना तो आपको जो भी आर मिलेगा ना, क्योंकि रेडियस क्या लेंथ है तो वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो यूनिट लगा के चलिए, तो यूनिट यहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो यहाँ रेडियस की यूनिट भी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2πr × 37 सेंटीमीटर इक्वल टू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 अब पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 22/7 इंटू, और ये क्या है आर है इंटू, और ये क्या है 37 सेंटीमीटर इक्वल टू, और ये क्या है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 7 यहाँ डिवाइड में है इसकी 2, ये पहले तो ऊपर लिख लीजिए 2 जितना भी है ऊपर 2 इंटू 22 इंटू ये क्या है आर इंटू ये क्या है 37 सेंटीमीटर, इसको सब एक साथ कर देते हैं, और नीचे क्या है 7 लिख दिया मैंने यहाँ पर इक्वल टू, और ये क्या दिया 1628 सेंटीमीटर। देखिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकती थी लेकिन मैं एक एक स्टेप यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, और ये है 1628 सेंटीमीटर को इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये पूरा टर्म जो है 1 से इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही रहेगा 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 37 सेंटीमीटर, ये तो इतना ही रहेगा इक्वल टू 7 जो है इससे इंटू होगा 7 इंटू 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो हमें आर मिल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो यहाँ से एच निकल जाएगा, तो आर और एच की दोनों वैल्यू आ जाएगी, तो हम इजिली यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आर की वैल्यू निकाले, तो आर इक्वल टू, अब ये क्या है कि आर के साथ ये टर्म और ये इंटू में है तीनों 2, 22 और 37, तो आर की वैल्यू चाहिए तो ये तीनों इधर जाएगा, तो ये सब इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आर इक्वल टू 7 × 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, और ये सब नीचे आ जाएगा इसके इंटू में इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा 2 × 22 × 37 और ये सेंटीमीटर ये आगे। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर एक सेंटीमीटर बचेगा, बचेगा ना, ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर है कट जाएगा तो एक सेंटीमीटर बचेगा। अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ से देखिए 2 से कटेगा 2, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 × 8 = 16, ठीक है 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 ये कट गया। अच्छा और ये देखिए फिर ये यहाँ 814 यहाँ नीचे 22 है, अगेन 2 से कटेगा तो 2 × 11 = 22, इसको भी 2 से काटिए तो 2 × 4 = 8, अब क्योंकि यहाँ 14 आ रहा है तो एक पहले 0 टाइम्स ले जाएंगे फिर 2 × 7 = 14 ये आया। अब देखिए क्या क्या कट सकता है, यस ये देखिए ये शायद हाँ 11 से कट जाएगा, देखिए यहाँ ये 407 है और ये 11 है, तो 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 11 × 11, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 11 × 3 = 33 डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं 11 × 3 = 33 10 × 3 = 7 7 × 7 = 77 बचा, तो 11 × 7 = 77 ये आया। अब यहाँ 37 है ऊपर यहाँ नीचे 37 ये भी कैंसिल सब कट गया, बच क्या रहा है केवल 7, तो रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इस सिलेंडर का ये रेडियस पता चल गया। अब एच निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये हमारी आर प्लस एच इक्वल टू किसके बराबर है 37 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आया यहाँ पर रखिए 7 सेंटीमीटर ये आया इतना, प्लस एच, एच हमें यहाँ से निकल जाएगा 37 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू क्या होगी ये 7 सेंटीमीटर इधर जाएगा 37 सेंटीमीटर के साइड, तो प्लस है इसका साइन क्या पॉजिटिव इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना, तो 37 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 30 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना हो गया 30 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइट है ना सिलेंडर की ये किसके बराबर है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर भी पता चल गया एच भी पता चल गया, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना आया हमारा देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर है तो आर रेडियस 7 आया, तो 7 का होल स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना आया है 30, तो यहाँ 30 लिखिए। अब यूनिट क्या लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम निकालने हैं, तो वॉल्यूम और यहाँ पर सारा जो रेडियस और हाइट है सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, यह ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। अब इसको सॉल्व कीजिए 22/7 इंटू ये 7 दो बार है स्क्वायर लगाए तो दो बार लिख दीजिए 7 × 7 इंटू ये क्या 30 सेंटीमीटर क्यूब, अब ये 7 कैंसिल तो क्या बच रहा है 22
हाँ ये तो कट गया इंटू, और ये 7 × 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 22 और 7 इसको इंटू कीजिए, तो इसको इंटू करेंगे 22 और 7 को, 7 × 14 फिर 7 × 14 कैरी 1 15 इंटू, और ये क्या 30 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जीरो है ना, तो जीरो को फिलहाल भूल जाइए, 3 से इसको इंटू कीजिए है ना, और जीरो बाद में लगाइए। तो 3 से इंटू करेंगे 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 कैरी 1 16 6, 3 × 1 = 3 कैरी 1 4 ये आ गया, 3 × 4 = 12 यस ये आ गया, और ये एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम का सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना आया है 4 6, मैं यहाँ ले देती हूँ, ये पूरा सॉल्व किया तो कितना आया 4 6 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमें निकालना था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।